एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ होता है जिसमें एक आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी का पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन अभी उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी और ये लेडी कौन है। अब वो लेडी के बूब्स को देखकर खुश हो जाता है और उन्हें टच करने की कोशिश करता है और जब वो अपने हाथों को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तभी उसके मॉम और डैड उसके सामने ही एंटीमेट होने लगते हैं। अब ये सब देखकर वो अजीब सी स्माइल देता है। अब कुछ समय बीत जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम र्यूडी है। अब र्यूडी उसके घर की मेड लूलिया की प्रैक्टिस को देखकर धड़कियों वाली स्माइल करता है और लूलिया र्यूडी को ऐसा करते देख लेती है और शॉक हो जाती है। लेकिन तभी र्यूडी की मॉम जेनिथ आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। तभी लूलिया जेनिथ से र्यूडी के बारे में कुछ बताने जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती क्योंकि लूलिया को लगता है कि र्यूडी तो अभी बहुत छोटा है, उसे इस सब के बारे में अभी क्या ही पता होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि र्यूडी अपने डैड पॉल को तलवार चलाते हुए देख रहा होता है और तभी वो टेबल से नीचे गिर जाता है। जेनिथ जल्दी से उसके पास आती है और उसके सर को सहलाने लगती है। फिर जेनिथ र्यूडी को एक टेबल पर बैठा देती है और कुछ स्पेल कास्ट करने लगती है। र्यूडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ये सब क्या कर रही है, लेकिन तभी कुछ लाइट्स स्पार्कल होती हैं और र्यूडी समझ जाता है कि ये अर्थ नहीं है, ये कोई दूसरा प्लेनेट है। अब मैजिक को देखकर र्यूडी भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर एक दिन र्यूडी एटिक में जाता है और वहाँ पर खेलने लगता है, तभी उसे वहाँ पर कुछ बुक्स मिलती है जिसमे से कुछ बुक्स मैजिकल मैनुअल होती है। र्यूडी को मैजिक पसंद था इसलिए र्यूडी मैजिक मैनुअल को रीड करने लगता है। फिर र्यूडी बुक से स्पेल कास्ट करता है जिससे वो अपने हैंड के पास एक वाटर बॉल क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो बॉल वहीं पर गिर जाती है और एटिक गीला हो जाता है। अब र्यूडी जल्दी से उसे साफ कर देता है ताकि उसके मॉम और डैड ये सब देखकर उस पर गुस्सा ना हो। अब र्यूडी दोबारा से ट्राई करता है, इस बार फिर से वाटर बॉल बनती है, लेकिन तभी र्यूडी को याद आता है कि उसने तो कोई भी मंत्र नहीं बोला था और यही सोचकर र्यूडी खिड़की से नीचे गिर जाता है और उस वाटर बॉल से उसकी पैंट गीली हो जाती है और थकने की वजह से र्यूडी सो जाता है। अगले सीन में लिली एटिक के फ्लोर को साफ कर रही होती है और र्यूडी अपनी मॉम की गोद में होता है और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि र्यूडी ने सोते हुए टॉयलेट कर दी है। ये सुनकर र्यूडी को बहुत शर्म आ रही होती है। अब र्यूडी डेली मैजिक की प्रैक्टिस करने लग जाता है और दिन और रात सिर्फ मैजिक के बारे में ही सोचता रहता है। अब काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से र्यूडी वाटर बॉल को थ्रो करना सीख गया था, इस वजह से र्यूडी काफी खुश होता है। अब वो सोचता है कि अब मुझे इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक ट्राई करना चाहिए। अब र्यूडी बुक में देखकर इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक करता है जिससे उसकी एटिक की छत पूरी टूट जाती है। अब इतना बड़ा धमाका होने की वजह से जेनिथ और पॉल एटिक में आते हैं। जब जेनिथ र्यूडी के बगल पड़ी हुई मैजिक मैनुअल को देखती है तो समझ जाती है कि र्यूडी ने इस बुक से देखकर मैजिक किया है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उसे जादू सिखाना चाहती थी। लेकिन पॉल कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि अगर लड़का हुआ तो जॉर्ड्समैन बनेगा और लड़की हुई तो मैजिशियन, और इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। तभी लूलिया कहती है कि क्यों ना तुम लोग इसे सुबह मैजिक सिखाओ और शाम को तलवारबाजी। इस पर दोनों सहमत हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि र्यूडी के मॉम और डैड र्यूडी के लिए मैजिक ट्यूटर हायर कर लेते हैं। अब मैजिक ट्यूटर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हाई स्कूल की लड़की लग रही थी और वो अपना नाम रॉक्सी बताती है। अब रॉक्सी र्यूडी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है जिसमें वो उसे कुछ मैजिक के बारे में बताती है, जिसके बाद रॉक्सी कुछ वर्ड्स स्पेल करती है जिससे एक वाटर बॉल उसकी स्टिक के आगे फॉर्म होकर सीधा एक पेड़ पर जाकर स्ट्राइक करती है और वो पेड़ टूट जाता है। अब इस पर र्यूडी कहता है कि मेरी मॉम ने उन पेड़ों पर बहुत मेहनत की है और अगर मेरी मॉम ने देख लिया कि तुमने ये पेड़ तोड़ दिया है तो वो तुम पर बहुत गुस्सा होंगी। अब ये सुनकर रॉक्सी डर जाती है और हीलिंग मैजिक से उस पेड़ को ठीक कर देती है। अब र्यूडी ये देखकर काफी खुश होता है, लेकिन अब र्यूडी की बारी थी। र्यूडी अब वर्ड्स स्पेल कर रहा होता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं जिससे रॉक्सी की स्कर्ट उड़ने लगती है और र्यूडी उसकी अंडरवियर देख लेता है, जिस वजह से र्यूडी का ध्यान भटक जाता है और वाटर बॉल दोबारा से उसी पेड़ पर लग जाती है जिससे वो पेड़ दोबारा से
टूट जाता है और जेनी दोनों को डांट लगाती है, जिससे रॉक्सी शर्मिंदा हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद रूडी की मॉम आती है और दोनों को अंदर ले जाती है, जिसमें वो रॉक्सी की वेलकम पार्टी करते हैं। अब रूडी यहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच रहा था, जिसमें वो एक जॉबलेस आदमी था जिसे सभी लोग बुली करते थे, लेकिन अब उसे सेकंड चांस मिला है और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो इस चांस को अब जाने नहीं देगा और कुछ महान काम करेगा। और यही हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, और इस सीरीज के और भी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।